जी पहले तो अपना नाम बताइयो। विजेंद्र, पिताजी का नाम मूलचंद, गांव कलियारा। क्या कुछ मामला हुआ आज उठा? मामला ये हुआ है जी, रात 10 बजे यहाँ गाड़ी खड़ी करी गई थी बरकन ने, ठीक है। हम अपने घर पर चले गए थे, कोई दिक्कत नहीं, हम रोज यहाँ गाड़ी खड़ी करते हैं, गाड़ी में आज तक कोई किस्म की कोई दिक्कत नहीं आई। और यहाँ पर कल शाम ने और सतबीर का लड़का सोनू, करमबीर का लड़का प्रीतम, इन्होंने आपसी विवाद के लिए पीछे से मेरे को जाके ये कहा है कि तेरे को एक मिनट में बर्बाद कर देंगे, साढ़े तेरी गाड़ी में आग लगा देंगे। इन्होंने ब्लास्ट करने वाले बारूद से हर गाड़ी का मैं बारूद लगा के हर गाड़ी को ब्लास्ट कर दिया, जिस गाड़ी का मैं 5 लाख से भी ज़्यादा नुकसान है, जिसका इंजन ख़त्म है, गियर ख़त्म है, टर्बो ख़त्म है, अल्टीनेटर ख़त्म है, रेडिएटर ख़त्म है। ये चीज़ें इन्होंने साजिश के तहत और इन्होंने काम करा है। होटल वाला जैसे ही धड़ाका हुआ है तो होटल वाला ने उठ कर देखा है तो सतबीर करमबीर का लड़का, सतबीर का लड़का सोनू, करमबीर का लड़का प्रीतम यहाँ से भागते दिखाई दिए, ठीक है। पीछे से उनके उन्होंने सफ़ेद रंग की बुशर्ट पहनी हुई थी, एक ने काले रंग की शर्ट पहनी थी। क्या पुलिस वगैरह सूचना दी गई है? पुलिस को मौके के ऊपर हम 4 बजे जैसे ही जाते ट्रक को लेकर, तो भाई ट्रक के साथ जाता है, वह ट्रक के पास आया तो उसने देखा 2:40 पे ट्रक होटल वाले ने पता लग गया था गाड़ी में नुकसान हो गया, तो जो गाड़ी पे नंबर लिखा हुआ है वो पिछले मालिक का नंबर था, उसके पास कॉल करी इसने, उसने बताया कि वह गाड़ी मैंने बेच दी है, ये गांव कलियाणा के पास है गाड़ी। तो होटल वाले ने हमारे घर का ना बेरा होते हमारे से बेरा नहीं दे सका, इसलिए 4 बजे भाई घर से गाड़ी को लेकर जाता है, जो साथ रहता है वह ड्राइवर और भाई दोनों आए गाड़ी को लेके जाने के लिए तैयार हुए, तो जैसे ही देखा तो गाड़ी में नुकसान हुआ था, बहुत ज़्यादा खिड़की टूटी पड़ी थी, सब कुछ गाड़ी का टूट फूट हो रहा था। उस आधार पर ये घर वापसी चले गए, जब जाके मेरे को इतला करी, मैं यही गांव में था, मेरे को जाके बताया कि भाई गाड़ी के अंदर इतना नुकसान हो गया है, इसका रेडिएटर ख़त्म है, इंजन ख़त्म है, गियर ख़त्म है, अल्टीनेटर ख़त्म है, और जो भी सामान है गाड़ी चलने लायक नहीं है। गाड़ी के अंदर और भी विस्फोटक सामान रखा हुआ है? हाँ, विस्फोट का सामान तो नहीं रखा हुआ, बाकी विस्फोट की जो चीजें थैले के अंदर हमने नहीं देखा क्या है क्या नहीं है, अभी थैला वही रखा है। थैले के ऊपर जो ब्लास्टिंग होता है जिस बत्ती से, वह बत्ती इसके ऊपर RDX इसके ऊपर रखी हुई है, वह जो चढ़कर रह जाती है उसका मलबा इसके ऊपर रखा हुआ है। तो अभी क्या कुछ मांगा आपकी, क्या कुछ चाहते हैं आप? मैं तो यही चाहता हूँ जी, चोर को पकड़े, पुलिस महकमा जो भी है वो आप चोर को पकड़े और दूध का दूध पानी का पानी करें, और हमारा जो नुकसान है इस नुकसान की भरपाई बस करें। पल पल की अपडेट के लिए हरियाणा 36 लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।